ये तो आपने सुना ही होगा कि रोम वॉज़न्ट बिल्ट इन अ डे। ये ऑलमोस्ट 3000 साल पुरानी शहर है। तो चलो टाइम ट्रैवल करके आपको एंशिएंट रोम के एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जहाँ एंशिएंट रोमन रूइंस आपको देखने को मिलेंगे, और यहीं पे जूलियस सीजर को भी दफनाया गया था। ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरिकल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको जानने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम आ गए हैं रोमन फोरम में एंशिएंट रोमन रूइंस देखने। रोमन फोरम के तीन एंट्रेंसेस हैं। दिस इज द नियरेस्ट वन टू कोलोसियम। रोमन फोरम का ओरिजिन 7th सेंचुरी बीसी में हुआ था, जो कि आज से ऑलमोस्ट 3000 साल पहले की बात है। एज द टाइम पास्ड बाय, ये एक कॉमर्शियल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हब बन गया रोमन एम्पायर का। इस जगह का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इतना फेमस है कि पूरे दुनिया से मोर देन 4.5 मिलियन विजिटर्स हर साल इसको देखने के लिए आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, देन प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो फॉर आवर लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स। उस जमाने में ये बहुत ही हैपनिंग प्लेस हुआ करता था। लॉयर्स और सेंटर्स के लीगल एक्टिविटीज से लेके रोमन्स के शॉपिंग तक हर तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुआ करती थी। रोमन एम्पायर के गिरने के बाद इस जगह की देखरेख अच्छे से नहीं हो पाई। बाद में बहुत सारे मोनूमेंट से स्टोन्स एंड मार्बल्स चोरी कर लिया गया था अदर बिल्डिंग्स बनाने के लिए। फिर मिडिल एज में इस जगह को एज अ काउ फील्ड यूज़ किया जाता था। 18th और 19th सेंचुरी में यहाँ एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट हुआ, जो अभी भी चल रही है। ये है टेम्पल ऑफ एंटोनियस एंड फॉस्टीना। जैसे हमारे इंडिया में शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था, वैसे ही रोमन एम्पायरर एंटोनियस पियस ने अपनी वाइफ फॉस्टीना की डेथ के बाद 141 एडी में ये बनवाया था। रिसेंटली दिसंबर 2023 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक 25 स्क्वायर मीटर साइज का ड्यूलक्स बैंक्वेट रूम 5 साल एक्सकेवेशन करने के बाद मिला। ये रूम 1st बीसी में बनाया गया था, सो यू कैन इमेजिन इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ये है टेम्पल ऑफ कैस्टर एंड पोलोक्स। इसको 495 बीसी में बनाया गया था। ये है टेम्पल ऑफ सैटर्न, जो कि रोम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 497 बीसी में हुआ था। ये सैटर्न टेम्पल रोमन गॉड ऑफ आर्किटेक्चर और वेल्थ को डेडिकेट करते हुए बनाया गया था। ये आर्क ऑफ सेप्टिमियस सेवरस है, जो 203 बीसी में रोमन्स के पार्थियंस के ऊपर विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। इस पूरे मॉन्यूमेंट में रोमन सोल्जर्स ने जब पार्थियंस को कैप्चर किया वो, और बैटल सीन्स दिखाए गए हैं थ्रू स्कल्पचर्स।
ये है टेम्पल ऑफ वेस्टा। ये वेस्टल वर्जिन्स के स्टैचूज हैं। उस टाइम में हाई प्रिस्ट के चुने गए 6 से 10 साल की उम्र की लड़कियों को प्रीस्टेस बना दिए जाते थे। टेम्पल ऑफ वेस्टा की देखभाल करना, खाना बनाना और टेम्पल के सीक्रेट फायर को जला के रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी। 30 साल तक उन्हें सेलिबेसी का रूल फॉलो करना पड़ता था। 30 साल के बाद ही वो लोग अलाउड होते थे शादी करने के लिए। अगर किसी कारण वो अपनी ड्यूटीज निभाने में नाकामयाब रहे या फिर अपने वाउस को कंप्लीट ना किया हो तो उन्हें इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर दफना दिया जाता था। इसको बेसिलिका ऑफ मैक्सेंटियस कहते हैं। ये रोमन फोरम में सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है। ये जगह एज अ लॉ कोर्ट यूज किया जाता था। ये आर्क ऑफ टीटस है जो 81 एडी में बनाया गया था एम्पायरर टीटस के डेथ के बाद। ये बोला जाता है कि दी फेमस जूलियस सीजर का ग्रेव रोमन फोरम में ही है जो कि 44 बीसी में उनकी डेथ के बाद यहाँ पर बनाया गया था। पर अकॉर्डिंग टू सोर्सेस उनको क्रीमेट किया गया था और उनके रिमेंस को रोमन फोरम के अंदर दफनाया गया था, जहाँ आज भी लोग उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए आते हैं। अभी हम जा रहे हैं पैलेटिन हिल। पैलेटिन हिल रोम के 7 हिल्स में से सबसे फेमस है। अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी ये हील सेक्रेट केव ल्यूपर्कल को शेल्टर दे के रखती थी, जहाँ पर शी उल्फ रोम के फाउंडर्स रोम्यूलस एंड रोमुस का देखभाल किया करती थी। यहाँ से आप ऑरेंज पेड़ से नहीं तोड़ सकते और अगर ये नीचे पड़ा हुआ भी है तब भी आप इसको नहीं ले सकते। इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि इन पेड़ों को यहाँ पे हार्वेस्टिंग के पर्पस से लगाया गया है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट पूरे रोम सिटी का व्यू दिखता है, स्पेशली दी मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स ऑफ रोम।
at the end of our Roman Forum tour, we found our showstopper, जिसने बहुत सारे क्यूट poses दिए हमारे लिए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, then please subscribe. See you guys on our next vlog. Till then, namaste.